हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसा जॉब शेयर करने वाली हूँ जहाँ पर आप लोगों को कोई चैट नहीं करना है, कोई कॉल नहीं करना है, कोई सेल नहीं करना है। और जो कंपनी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ वो डायरेक्टली एक ऑफिशियल लिंक है जहाँ पर मैं आज आप लोग वहाँ पर अप्लाई करते हो तो आप लोगों को वहाँ से डेफिनेटली एक ही दिन में यहाँ पर रिप्लाई आएगा। आप लोगों के पास में असेसमेंट का टेस्ट आएगा जैसे मेरे पास में आया है, और आप वही असेसमेंट टेस्ट देकर एक इंटरव्यू देकर यहाँ पर आप जो है आपका काम जो है यहाँ पर शुरू कर सकते हो। सबसे बेस्ट पार्ट इस कंपनी के जॉब की ये है कि आप लोगों को ये काम करने के लिए गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को जो कंप्लीट आपका वर्क फ्रॉम होम का सेटअप लगता है वो कंपनी की तरफ से आप लोगों को मिलेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आप लोगों को जो सैलरी मिलने वाली है दैट इज अराउंड 55,000, और वो भी एज अ फ्रेशर आप लोगों को ये सैलरी मिलने वाली है जिसमें और भी पर्क्स एंड बेनिफिट्स जो है वो आप लोगों को इंक्लूडेड यहाँ पर मिल जाएंगे। सो गाइस, जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रही हूँ जहाँ पर जो प्रोफाइल आया है वो एक ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड आया है। अब ये ईमेल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों को ईमेल जो होते हैं उसको सेंड करना, उसका जो कंप्लीट पोर्टफोलियो है ईमेल का वो आप लोगों को यहाँ पर हैंडल करना होता है, उसको स्केड्यूलिंग करना होता है। तो इस तरह का ये जॉब प्रोफाइल है, थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे कॉल या सेल बेस से, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब रोल। आप एक रिटायर्ड हो, यहाँ पर कोई एज का क्राइटेरिया नहीं दिया गया, कोई बाउंडिंग नहीं दी गई है, कोई एक्सपीरियंस आप लोगों से यहाँ पर मांगा नहीं गया। जिस कंपनी में ये जॉब अपडेट आया है उसका नाम है फ्रेश प्रिंट्स। अगर उसकी थोड़ी सी मैं अगर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करूँ तो फ्रेश प्रिंट्स क्या है, एक टेक्सटाइल बेस्ड कंपनी है, एक US बेस्ड कंपनी है जो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि ब्रांड्स है एडिडास हो गया, जारा हो गया। तो ये लोग जो है इन लोगों से टेक्सटाइल जो है यहाँ पर खरीद लेते हैं और अपना डिजाइनिंग कर आगे जो है यहाँ पर प्रोसेस करते हैं। तो इस तरह का ये एक स्टार्टअप है, ये मैं कह सकती हूँ पिछले 7-8 सालों से ये कंपनी जो यहाँ पर काम कर रही है। अभी जिस कंपनी के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं डेफिनेटली हम सोचते हैं कि वो लीजिट है या नहीं, तो आप इसका लिंक्डइन का पेज चेक करो, आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट चेक करो, यस इट्स लीजिट। और जो मैं आप लोगों के साथ में जॉब भी शेयर कर रही हूँ उसका ऑफिशियल लिंक मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सो जैसे आप वहाँ पर अप्लाई करोगे तो तुरंत आप लोगों के पास में एक थैंक यू फॉर अप्लाइंग का था, और CV जो है यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड होता है, तो आप लोगों का नेक्स्ट प्रोसेस जो है यहाँ पर 1 या 2 दिन में यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, एंड एक वीक की ट्रेनिंग कंप्लीट कर आप यहाँ पर जो है वो ऑनबोर्डेड होते। तो बहुत ही अच्छा प्रोफाइल है गाइस आज की इस प्रो, डेफिनेटली इस वीडियो को जो एंड तक जरूर देखना। जो लोग डेफिनेटली वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो ना, प्लीज़ इस जॉब पर जरूर अप्लाई करना। और यहाँ पर एक नहीं तो 2 तरह के प्रोफाइल्स फिलहाल के लिए मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड भी है और HR से रिलेटेड भी है। आपको जिस प्रोफाइल पर ठीक लगता है आप वो उस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। असेसमेंट टेस्ट थोड़ा सा डिफर हो सकता है, ठीक है। ये बात करते हैं आज के इस जॉब के अपडेट के बारे में। अगर आप लोगों को भी लगता है कि आपको फ्रेश प्रिंट पर अप्लाई करना है तो मैं इसका एक बहुत ही ईजी प्रोसेस बताती हूँ कि आप किस तरह से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सो गाइस, जैसे आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होगे एक ईमेल मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर का ये जॉब रोल है, और ये इंडिया के लिए और फिलीपींस के लिए फिलहाल के लिए हायर कर रहे हैं, दैट इज़ द रिमोट वर्क है। अब ये क्या है, आप इसका जो स्टार्टिंग का बेस है या जो कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर जरूर पढ़ लेना ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कंपनी जेन्यून है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर डिस्क्रिप्शन देखो कि आप लोग का जॉब रोल क्या होना, तो यू हैव टू रिव्यू एंड फाइनलाइज द स्केड्यूल ईमेल मार्केटिंग असेट, सेटअप द प्रिपेयर ईमेल कैंपेन फॉर द टाइमली लॉन्च, मॉनिटर एंड एनालाइज द कैंपेन परफॉर्मेंस टू ऑप्टिमाइज द मार्केटिंग टारगेट्स, कलेक्ट ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रीमलाइन द कैंपेन रिलेटेड। मतलब जो कुछ भी कर रहे हो आप वो सारा सा ईमेल के थ्रू में कर रहे हो, ईमेल के थ्रू में ही इनकी जो मार्केटिंग है वो यहाँ पर आप कर रहे हो, ओके। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, तो यू नीड एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल, फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज मस्ट, क्योंकि ये US बेस्ड कंपनी है तो डेफिनेटली आप लोगों के फ्लुएंसी इंग्लिश में बहुत अच्छी चाहिए, स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन स्किल, देन सुपर डिटेल ओरिएंटेड एंड मेटिकुलस विथ योर वर्क, सेल्फ मोटिवेटेड। और आप लोगों के कुछ पर्सनल एट्रीब्यूट्स चाहिए, जैसे कि आप प्रेशर को हैंडल कर सकते हो, ओपन टू चेंज हो, देन आप गोल ओरिएंटेड हो, ये सारे आप लोगों के पास में होना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए आप लोगों को कॉम्पनसेशन क्या मिल रहा है, तो यू विल गेट अ $700 अगर आप 82 रुपीज़ से कन्वर्ट करो तो आप लोग के आराम से सैलरी यहाँ पर 56,000 से लेकर 57,000 आराम से यहाँ पर हो जाएगी। अगर आप नाइट शिफ्ट करते हो तो आप लोगों का अलाउंस यहाँ पर मिल जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस है, देन आप लोगों को अगर इंडिया से बिलोंग करते हो तो आप लोगों का एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी यहाँ पर कवर हो रहा है, एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू विल गेट। अब यहाँ पर क्या है, ये जो जॉब है ना वो 1 ईयर का फिक्स पोजीशन के लिए आप लोगों का एक बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर ये जॉब करने के लिए, एंड दिस इज अ वर्क फ्रॉम होम रोल। और इसके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो मंडे टू फ्राइडे, अब यहाँ पर 12:30 PM से लेकर ये 9:30 PM दिया गया, मतलब उसके बीच के कोई भी इंडियन टाइम के अनुसार के आप लोगों की साइकिल हो जाएगी, मतलब ये दिन के भी हो सकती है और रात के भी हो सकती है, समझ रहे हो ना, मतलब दिन के भी 7-8 घंटे आप लोगों को काम करना पड़ सकता है या रात के भी 7-8 घंटे, ये रोटेशनल शिफ्ट में आप लोगों का काम चलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है ये बहुत मेन चीज़ है। यहाँ पर देखो आप लोगों को क्या करना है, जिसके अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम डाल दो, देन लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर और
सीवी, सीवी में आप ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड आपने कभी काम किया है नहीं किया है, लेकिन ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड जो कीवर्ड है वो डेफिनेटली यहाँ पर डाल देना कि आप किस तरह से यहाँ पर काम कर सकते हो। अगर आपका लिंक्डइन का प्रोफाइल बहुत अच्छा है तो आप यहाँ पर ये डाल देना। अब मैंने इस क्वेश्चन के आंसर्स बहुत अच्छी तरह से दे दिए थे, इसीलिए शायद से मेरे रिज्यूम जो है यहाँ पर शॉर्टलिस्ट भी हुआ और मुझे रिप्लाई भी यहाँ से आ गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, why do you believe the fresh print is the place to be for you to realize your 5 year vision? आप कहाँ पे हो, 5 साल बाद क्या देखना चाहते हो, fresh prints में आप लोगों की क्या expectations है, ये answer, इसका answer मैंने बहुत अच्छे से दिया है। आपको भी अगर लगता है कि भाई मैम एक बार ये answers भी हम लोगों के साथ में share करो तो please मुझे comment down जरूर करना कि इसके answers मैंने किस तरह से दिए थे। प्लीज़ अगर आप कमेंट करते हो ना तो मैं कमेंट में ही आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर्स भी यहाँ पर रिटर्न में दे दूंगी और आपकी थोड़ा बहुत चेंज कर वही आंसर जो यहाँ पर रिपीट कर सकते हो। ओके, सो व्हाट इज योर मोस्ट एडवांस डिग्री, विच यूनिवर्सिटी ग्रेटेड इट एंड व्हाट डिसिप्लिन डिड यू फोकस ऑन एंड व्हाट ईयर डिड यू ग्रेजुएट? तो आप लोगों का ग्रेजुएट होना मस्ट है यहाँ पर। ओके, अब ये आंसर देने के बाद में आप लोगों को आता है कि विच वन इज डिस्क्राइब यू द बेस्ट, तो आप यहाँ पर सारे जो आंसर्स होते हैं वो आप पॉजिटिव देने की ही कोशिश करना, जैसे आप कोई भी आंसर निगेटिव में मत दे देना यहाँ पर, ठीक है? विच वन डिस्क्राइब यू द बेस्ट? अब देखो जैसे कि आई वर्क बेस्ट विद द इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजीज एंड कंक्लूजन, आई वर्क बेस्ट व्हेन आई एम इन्वॉल्व इन द रिसर्च स्ट्रैटेजी एंड डिवाइन कंक्लूजन, विच वन डिस्क्राइब यू द बेस्ट? सो इस क्वेश्चन के आंसर मैंने किस तरह से दिए थे, अगर आप लोगों को भी ये जानना है ना गाइस तो प्लीज़ एक बार कमेंट डाउन जरूर करना ताकि मैं वो डिस्क्रिप्टिव आंसर भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, ठीक है? अब ये क्वेश्चन के आंसर आप जैसे ही यहाँ पर कंप्लीट करते हो तो आप लोगों को सबमिट एप्लीकेशन करना है ताकि आप लोगों का फॉर्म जो है यहाँ पर सबमिट हो जाए। जैसे ही आप लोग यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो सबमिट करते हो तो आप लोगों के पास में तुरंत एक मेल आ जाता है जो इस तरह से होता है कि थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब रोल, एंड उसके बाद में आई गेस एक 24 to 48 hours रहता है अगर आप लोगों का रिज्यूम जो यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होता है तो। नेक्स्ट ईमेल इन लोगों का इस तरह से आता है जहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस है जो को कुछ ईयरियो आप लोगों को उस ईमेल में देते हैं, जैसे कि आप लोगों के पास में लूम डाउनलोड होना ज़रूरी है और कुछ इंस्ट्रक्शंस है जिसके 45 मिनट्स का होना ज़रूरी है, आप लोगों के पास में एक शांत जगह पर बैठ जाइए और वहाँ पर ये जो असेसमेंट है यहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड की जाती है और उस लिंक के थ्रू में आप लोगों को आपका असेसमेंट जो है यहाँ पर कंप्लीट करना होता है। सो मुझे ये लिंक आया था, मैंने यहाँ पर मेरा असेसमेंट जो यहाँ पर शुरू कर दिया था। सो ये असेसमेंट किस तरह का है, कैसे कैटेगराइज किया है, ये जैसे मैं अभी आप लोगों के साथ में मेरे स्क्रीन पर शेयर करती हूँ। सो जैसे आप मेरे स्क्रीन पर अभी देख रहे हो ना गाइस, इस तरह का ये एक आप लोगों के सामने असेसमेंट टेस्ट आता है जहाँ पर आप लोगों का एप्टीट्यूड, आपका पर्सनल, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो अभी जैसे ये 15 मिनट के लिए मुझे पहले कुछ एप्टीट्यूड क्वेश्चंस पूछे गए। इफ़ अ स्टॉक क्लर्क रिसीव्स अ 6 shipments पर वीक, हाउ मेनी शिपमेंट्स डज शी रिसीव्स ओवर द कोर्स ऑफ 16 weeks? सो गाइस यहाँ पर सारे आप लोगों को क्वेश्चन हर तरह के मिल जाएंगे, सो आंसर करने की कोशिश करते हैं हम। यस, इट्स 96 यहाँ पर सबमिट कर लेते हैं। Then which of the following is the smallest value? So 0.02, right? This is the submit answer कर लेते हैं। A home goods store sells 385 lamps in the month of July. If it sells 200 more lamps in the next month, how many lamps does it sell in August? इसका आंसर हम यहाँ पर ना guys, a home goods store sell 385 lamps in a month of July. So yes, हम इसका आंसर जो है यहाँ पर 585 कर लेते हैं। अब द विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर देखो पैटर्न वाइज ये क्वेश्चन आ रहा है, जैसे स्क्वायर सर्कल तो नेक्स्ट आ जाएगा स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, सेम पैटर्न वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर जिस तरह से मूव हो रहा है उस तरह से बी का आंसर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। देन ट्रक इज ट्रांसपोर्ट टू एज गोल इज टू रीच, यस यस हम ये कर सकते हैं, गोल इज टू रीच, सबमिट द आंसर। देन पेपर इज थिन, मतलब पेपर के पैटर्न के बारे में बताएं। देन रैबिट इज विशफुल, स्पून इज हल्की, प्रिंटर इज टू कॉपी, हाँ फिला इज टू टाइम, उसके बारे में मतलब साइज के बारे में बताया था। ऑक्यूपेड इज टू वैकेंट एज माई ऑक्यूपेड इज स्मार्टिंग ऑनरेबल, यस ब्लिसफुल इज टू हैप्पीनेस, सबमिट कर लेते हैं आंसर, ठीक है? यहाँ पर 50 क्वेश्चंस मिलेंगे गाइज आपको इस तरह के आंसर करने के लिए, तो मैं कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ और कुछ थोड़े से जो फॉरवर्ड कर लेती हूँ, मतलब एक आप लोगों को पैटर्न समझ में आ जाए कि बस किस तरह के आंसर्स आप लोगों को यहाँ पर देने, ये एक बार समझ में आया। मतलब जो लॉजिकल क्वेश्चंस हम हमेशा हर एक एग्जाम में देते हैं ना, उसी तरह के ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर भी मिल जाएंगे, ठीक है? सो ये देखो फिर से पैटर्न वाला ये क्वेश्चन आ गया है। अब इसका आंसर जैसे एक सर्कल है, ट्रायंगल है, बीच में स्क्वायर है, तो फिर से इसका ये क्या होगा उसका पैटर्न, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग, अब ये डज नॉट बिलोंग कर रहा है, तो इसका आंसर हम, अगर आपका लॉजिकल अच्छा है तो आप डेफिनेटली ये क्वेश्चन के आंसर्स बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर दे सकते हो गाइस। ओके, अ थीम पार्क ऑफर्स अ ग्रुप रेट डिस्काउंट ऑफ 30% ऑफ एडमिशन प्राइसिंग, ऑफ द रेगुलर एडमिशन प्राइसेस $90। ओके, इसका आंसर ये करते हैं,
सेवन इज 25% ऑफ द नंबर 28, राइट, ये करते हैं. देन व्हाट शुड बी द नेक्स्ट ग्रुप. अब ये लेटर्स के लिए आ रहे हैं, ठीक है. एक्स 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 है, आर क्यू पी ओ, देन एफ ई पी, यस इसका आंसर ये कर लेंगे. अज्यूम द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इज द फाइनल स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स और अनसर्टेन. तो ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बेसबॉल टीम ऑल्सो लाइक बेसबॉल, ट्रू कर लेते हैं, ठीक है. देन फिर से हम लोगों को वही करना है. द डेबी इज अ कुकिंग इंस्ट्रक्टर, ऑल कुकिंग इंस्ट्रक्टर वेंट टू द कुकिंग स्कूल, डेबी वेंट टू द कुकिंग स्कूल, ठीक है. हाउ मेनी ऑफ द फाइव आइटम्स इन द लेफ्ट हैंड कॉलम आर एग्जैक्टली सेम एज द करस्पॉन्डिंग एंट्री इन द राइट हैंड कॉलम. आप लोगों को कंपेरिजन करना है राइट एंड लेफ्ट कॉलम का और अज्यूम करना है कि कितने सही है इसमें से, ठीक है. सो रिटर्न से ओवरऑल है, यस इसका आंसर ये कर लेते. सेम टाइप के ये क्वेश्चन के आंसर है कि दोनों आप लोगों को कॉलम दिखाए जाएंगे और उसमें से आप लोगों को राइट कॉलम एंड लेफ्ट कॉलम में से कितने सेम है वो आप लोगों को यहाँ पर करने हैं, ठीक है. तो इसका आंसर मैं क्या करती हूँ, मिडिलटन ट्रेनिंग यहाँ पर भी है, देन लॉलमेन, ओके. हाँ ये सेम टाइप के क्वेश्चन है आप लोग को हर एक पैटर्न में, मतलब कुछ लॉजिकल के क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ इंग्लिश से रिलेटेड मिलेंगे और कुछ ये राइट और लेफ्ट. ये जो पैटर्न है ना ये राइट एंड लेफ्ट वाले कॉलम का, ये हमने पहली बार यहाँ पर दिया हुआ है. अब विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ओके. अ फास्ट फूड रेस्टोरेंट यूजेस 3 पीसेस लेट्स एंड बर्गर एट 450 का आंसर हो जाएगा. एन इलेक्ट्रिशियन कैन, अब ये थोड़े से मैथमेटिकल बेस्ड है. एन एग्जाम्पल ऑफ द एथलेटिक्स, यहाँ पर इंग्लिश आप लोगों को अच्छी चाहिए. अब ये जो क्वेश्चन आया है मुझे वो ग्राफ से रिलेटेड आया है, कुछ ग्राफ दिखाए जाएंगे और उसके बेसिस पर आप लोग को ये क्वेश्चंस मिलेंगे, ओके. ग्रुप ऑफ फोर मेंबर एज एन एवरेज, तो थोड़ा सा ग्राफ को आराम से देख लेना. अब ये पहला पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हो गया, हम नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे. एप्टीट्यूड हो गया है, अब पर्सनलिटी असेसमेंट के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे. देखो आपको क्या अच्छा से डिस्क्राइब करता है वो आप लोगों को देखना है, मतलब ऑलवेज ट्रू, मोस्टली ट्रू, समटाइम्स ट्रू, मोस्टली फॉल्स, ऑलवेज फॉल्स, ये 5 तरह के ऑप्शन आप लोगों को मिल जाते हैं. पीपल लाइक मी, ठीक है. तो ये पर्सनालिटी से डिफर करता है, हर एक का अलग अलग कर लेता है. सो अगर आप जिस पर्सनालिटी, मतलब आपकी जैसे पर्सनालिटी ने उसी तरह से आंसर देना, जैसे मैंने दिए उसी तरह से देने की आप लोगों को यहाँ पर जरूरत नहीं. ओके, आई विल वर्किंग आउटडोर्स, आई विल वरी अबाउट डिसीजंस, यस मोस्टली ट्रू, आई एम एट ईज टॉकिंग ऑफ पीपल, समटाइम्स ट्रू समटाइम्स फॉल्स, ये कर लेते हैं. मोस्ट प्रोबेबली देख लेना कि इस क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं वो आप लोगों के मतलब ये मत करना, मोस्टली फॉल्स या ऑलवेज फॉल्स ऐसे कुछ मत कर लेना यहाँ पर, ठीक है. हाँ यस, आई एम पेशेंट वर्कर, आई एम हैप्पी. अब देखियो इन क्वेश्चन के थ्रू में, ये नियर अबाउट 28 क्वेश्चन है, इसके थ्रू में ये लोग आप लोगों की पर्सनैलिटी जान लेते हैं कि आप किस तरह के इंसान हो. आई एम एबल टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू माई वे ऑफ थिंकिंग, आई एम एबल टू कीप मूविंग आफ्टर एक्सपीरियंस फेल्योर, आई कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स इन मेनी एरियाज, यस others perceives me as being competent, okay, yes I like crossword puzzles, chess, bridge. तो हमने ये पार्ट कंप्लीट कर लिया हमारा, अब नेक्स्ट टेस्ट के लिए चलते हैं. चलो कंटिन्यू टू द नेक्स्ट टेस्ट. अब एप्टीट्यूड टेस्ट ही है लेकिन ये 5 मिनट का है, अब ये कंप्लीट कर लेते हैं. See, you have 6 seconds to answer each questions. If the robots are different, click different. And if the robots are the same, click same. Same है तो same पर click करेंगे, different है तो different पर यहाँ पर click करेंगे. अभी tutorial देखो, आप लोगों को easy, मतलब 6 सेकंड में identify करना है कि इसका difference है या नहीं. जैसे ये बीच में यहाँ पर देखो ये difference आ रहा है, तो ये है या नहीं ये आप लोगों को देखना है, ठीक है. Number of questions 40 है और हर एक question के लिए आप लोगों को सिर्फ 6 seconds मिल रहे हैं यहाँ पर answer करने के लिए. Begin the assessment कर लेते हैं. यस इसका मैं सेम या डिफरेंट ये कर लेते हैं, हम डिफरेंट है ये आ गया, ये आ गया, यस इस आप ये कर लेना आपके हिसाब से भी. ये देखो ये बीच वाले से इसमें डिफरेंस है इसका, ये सेम है आई गेस, यस ये सेम है, ये भी सेम है, ये डिफरेंट है, पूछ अलग है, ये भी डिफरेंट है, ओके. सो इस तरह का ये होता है. अब यहाँ पर हम बिगिन ट्यूटोरियल कर लेते हैं फिर से एक बार. वर्ड्स ऑफ फिदर, ठीक है. हाँ डेलिब्रेट एंड लिब्रेट, मतलब दोनों के वर्ड्स जो होते हैं उसका जो मीनिंग होता है वो आप लोगों को क्या क्या लगता है.
डोसाइल डोमिनेंट। आप अभी इसके लिए आप लोगों का इंग्लिश बहुत अच्छा होना जरूरी है, तभी आप ये जो क्वेश्चन के आंसर से यहाँ पर दे सकते हो। अवॉइड सर्कुलेंट सिमिलर शॉलो प्रोफाउंड सिमिलर कर लेते हैं इसको भी। विंडोल अपस्टेन आप इसके लिए मत सोचना कि इतने फास्ट फास्ट क्वेश्चन के आंसर आते रहते हैं ना कि आप लोग किसी की हेल्प नहीं ले सकते हो। सो इसीलिए अगर मेक श्योर करना कि अगर आपका भी क्वेश्चन पेपर मेरे जैसा ही आ रहा है तो पहले इसके क्वेश्चन के आंसर जरूर देख लेना, क्योंकि मैं तो मतलब फॉर्मली इसके आंसर्स दे रही हूँ जो मुझे ठीक लगते हैं यहाँ पर क्रिकेट, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे भी यहाँ पर लिटरली नहीं पता है। ओके अब क्या इफ द क्वेश्चन इज इन रेड ट्रक, तो हाँ ये इस तरह के आंसर्स आप लोगों को यहाँ पर देने हैं कि आप लोगों को ब्लू इज ग्रेटर और रेड इज ग्रेटर, मतलब क्वेश्चन को फटाक से देखना है और आप लोगों को कंपैरिजन करना है। अगर ग्रेटर है तो ब्लू ग्रेटर करना है और ग्रेटर है तो रेड ग्रेटर करना है, जो ग्रेटर है। अब जैसे 9 डिवाइडेड बाई 3 होता तो 3 आ जाएगा, 8 माइनस 11 आ जाएगा, तो उसका आंसर तो वो दोनों में से क्या ग्रेटर है और क्या लेस देना है वो आप लोगों को, और इसके लिए सिर्फ 6 सेकंड्स मिल रहे हैं आप लोग को, तो बहुत फटाक से आंसर जो है यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। सो मेक श्योर करना कि आप फटाफट इसके आंसर दे दो क्योंकि टाइम बाउंडिंग बहुत ज़्यादा है इस पर्टिकुलर सेक्शन में। ठीक है जैसे 7 × 2 = 14 हो गया, 8 × 6 = 15 × 3 = 3, तो ये 15 + 3 ये हो जाएगा, यहाँ पर 17 आ सकेगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा, यहाँ पर 6 × 6 यस। तो इस तरह के ये क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं। अभी जो फाइनल जो राउंड है, जो फाइनल सेक्शन है वो हम यहाँ पर देते हैं, जहाँ पर हम लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग लिंक, ठीक है तो आप कंटिन्यू करो, तो प्लीज़ एंटर द लूम लिंक ऑफ द स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ योर टेस्ट, जो हमने यहाँ पर लिंक जिसके थ्रू मैं यहाँ पर वीडियो किया था वो यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं एंड देन आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हो आंसर आप लोगों का, और यही जो है आप लोगों का नेक्स्ट में आ जाएगा, सबमिट हो जाएगा। ठीक है तो हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर लिंक जो है यहाँ पर सबमिट कर लेते हैं। आज के जॉब की अपडेट, अगर आप लोगों को भी लगता है कि आप यहाँ पर इस प्रोफाइल के लिए अच्छे हो सुटेबल हो तो डेफिनेटली इसको अप्लाई जरूर करना। सैलरी का रेंज बहुत अच्छा दिया गया है, बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स है जो आप लोगों को यहाँ पर मिल भी रहे हैं, एंड और एक बात ये है कि आप MNC कंपनी में यहाँ पर काम कर रहे हो, और एक ही नहीं यहाँ पर बहुत सारे दूसरे प्रोफाइल्स भी है, अगर आप इसका लिंक्डइन का पेज चेक करोगे तो आप लोगों को पता भी चलेगा, सेल्स से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, HR से रिलेटेड, बहुत सारे दूसरे कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे दूसरे जॉब्स भी हैं यहाँ पर अवेलेबल है। सो आप इसका एक बार LinkedIn का पेज चेक करो, आप लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा। सो फिलहाल के लिए ईमेल मार्केटिंग का और HR का जो जॉब रोल है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। हर एक का असेसमेंट टेस्ट जो है वो थोड़ा सा डिफर जरूर होगा, उसके जिस प्रोफाइल पर है उस प्रोफाइल से रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। सो मेक श्योर करना आप उसी तरह से यहाँ पर असेसमेंट टेस्ट भी जो यहाँ पर दे सके। सो गाइज प्लीज़ अप्लाई जरूर करना,